मेरी लास्ट वीडियो अपलोड की हुई मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए। इन 9 महीनों में मैंने कुछ खास किया नहीं। आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़े, कुछ को रिस्पॉन्ड किया, कुछ को ना कर सका। बट सवाल ये है कि आखिर मुझे इतना टाइम लगा क्यों फिर से वीडियोस अपलोड करने में। सो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंटली अपलोड करना। मेरे लिए ये एडिटिंग, स्टोरी, गियर, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है। और जितनी ही इसकी अहमियत है उतना ही मैंने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, बिकॉज कोई 9-10 महीने हो गए और मैंने कोई ख़ास अपलोड नहीं किए वीडियोस। तो ये व्लॉग उन सब बहानों के बारे में है जिसकी वजह से मैं पिछले 9-10 महीने से अपलोड नहीं कर पाया। बाय द वे, आई हैव नो आइडिया कि मैं इस गाड़ी में आके क्यों बैठा हूँ, लेकिन अब बैठ गया हूँ। सो एक सदर का चक्कर ही हो जाए फिर। सो द फर्स्ट रीज़न, वजह, बहाना, एक्सक्यूज़, कुछ भी कह लें आप, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा फिर से वीडियोस अपलोड करने में, वो ये है कि यार मुझे हमेशा से बस औरों की वैलिडेशन का इंतज़ार होता था। अब वैलिडेशन को उर्दू में क्या कहेंगे आई हैव नो आइडिया, लेकिन कहने से मुराद ये है कि मुझे औरों की ओपिनियन बहुत ज़्यादा, उसको मैं मतलब वेटेज देता था कि कोई और मुझे कहे कि यार ये काम करो या वीडियोस बनाओ या इस तरह करो या उस तरह करो, तभी जाके मेरे से वो काम होता था। कभी मैंने पर्सनली अपने लिए इतना उस चीज़ को परसू नहीं किया जितना मैं औरों की वजह से करता था। एंड मुझे आई नो कि काफ़ी और लोग भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं, बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज़ कि ये मेरा चैनल है, मेरी वीडियोज़ हैं, मेरा कॉन्टेंट है, सो वाई नॉट जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त उसको कुछ हो जाता है। तो ये ट्राइपॉड अभी उठाया ही था यूज़ करने के लिए कि इसका ऊपर से वो क्लिप टूट गया, बट अब सदर में ही हूँ, सिंगापुर प्लाजा जिंदाबाद, वहाँ से जाएंगे, एक और ट्राइपॉड ख़रीदेंगे और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बहाने नहीं बनाने, अब से वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, जो भी हो, ट्राइपॉड हो ना हो, कुछ भी हो जाए, वीडियोस बनती रहेंगी इंशाल्लाह। मैंने एक और ट्राइपॉड ले लिया है और बेहतर है, अब थोड़ा हैंडल करते हुए आसानी हो रही है। और मुझे अब सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई है, सो बहुत ही स्पॉन्टेनियस सा डिसीजन है, बट आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड ट्राई इट आउट। ऑलराइट जी, सो दैट स्पॉन्टेनियस डिसीजन इज़ दिस फ्रेश गन्ने के जूस वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, यार एक बनाइएगा एक ड्रिंक। जो दूसरा बहाना है जिसकी वजह से मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया वो ये है कि हमेशा मुझे बस परफेक्शन का शौक़ होता था कि यार बस शॉट भी परफेक्ट हो, जगह भी परफेक्ट हो और सीनरी भी परफेक्ट हो, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है हर वक्त करना। सो अब से ये डिसाइड किया है कि आई वुड रादर हैव 4 नॉर्मल शॉट्स, जिस तरह अभी ये सेटिंग देख सकते हैं, कुर्सी है, लोग बैठे हुए हैं, रोड है, और आई एम जस्ट
enjoying this drink. मतलब मुझे ऐसा जितना इतनी tension नहीं है कि पीछे जगह सही नहीं है या lighting सही नहीं है या sound ठीक नहीं है. Rather than having that one perfect shot जो कि physically बहुत impossible है हर वक्त वो एक perfect shot करना. जो मैंने अभी जूस पिया है बहुत ही ज़्यादा मज़े का था. एनीवेज द फाइनल रीज़न या बहाना जिसकी वजह से मैं अभी तक वीडियोस वगैरह नहीं बना सका वो ये था कि यार काफ़ी टाइम तक मैं अपने आप को इस बात पे सेटिस्फाई कर रहा था कि यार मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है जिसको मैं रिकॉर्ड करके व्लॉग की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकूँ. बट फ्रॉम नाउ ऑन मैंने एक चीज़ ये डिसाइड की है कि यार लाइफ हैपनिंग होती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है. एंड द मैसेज जो मैं इस वीडियो से देना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार अगर आप कोई काम करना चाहते हैं वो काम कर डालें, बहाने ना बनाएं. बिकॉज काम ना करने के हज़ारों बहाने हैं, काम करने का एक ही बहाना है और वो है कि वो काम आप कर डालो. ठीक है, तो आप लोग ये करें और अब आई एम जस्ट गोना गो हैव अ वॉक. आप सबसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग व्हाटएवर. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. ठीक है, एंड see you in the next one, right? Love is.